हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइनो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में लास्ट एक घंटे के लिए हम क्या तैयारी करें MHI 03 के अंदर में, जिससे हमारे कुछ अच्छे नंबर बन सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ आपके लिए। बट अब लास्ट एक घंटे के लिए हम क्या ऐसा पढ़ के जाएँ, क्या ऐसा तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें जिससे हमारे अच्छे नंबर इम्प्रूव हो सकते हैं, और क्या हमें याद रखना चाहिए MHI 03 हिस्टोग्राफी के अंदर में। सबसे पहले जो आपकी बुक है हिस्टोग्राफी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप आगे तैयारी भी करोगे एमए के बाद में, आप यूजीसी नेट की तैयारी करोगे, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनकर आते हैं इसके हिस्टोग्राफी के अंदर में से, और आगे करियर भी हिस्टोग्राफी के अंदर में बनता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बुक के तौर पर आप इसको देख के चल सकते हैं। ऑलरेडी हमारे दैनव चैनल के ऊपर में एमए हिस्ट्री 0 MHI 03 से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, आपने उनको देखा होगा पीछे कुछ दिनों के अंदर में। बट उन सभी वीडियोस को एक बार में या एक घंटे में देखने के लिए अभी उतना टाइम हमारे पास बचा नहीं है। आप किस वीडियो को देख कर जाओगे और लास्ट एक घंटे में उस किस वीडियो को देखना चाहिए जिससे आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नॉर्मली दो वीडियोस हैं जिसको आपको देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर आप ये देखोगे तो ये वीडियो है ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ MHI 03 हिस्टोग्राफी एमए हिस्ट्री इग्नू का, जिसके अंदर में 41 मिनट की वीडियो है, और इस वीडियो के अंदर में टोटल 15 से 20 टॉपिक बताया है मैंने कि ये टॉपिक इसके अंदर में ये चीज़ें। नॉर्मली मैंने उन टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि इस टॉपिक का मतलब ये बनता है और इसके अंदर में ये चीज़ें आती है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। तो आप इस वीडियो को अगर देखकर जाओगे तो भी आप उसको बना सकते हो। देखो, नॉर्मली अभी हमें प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है लास्ट टाइम पीरियड के अंदर में, जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हमने 7-8 दिन जो पीछे पढ़ा, क्योंकि इग्नू के स्टूडेंट हैं चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, वो पढ़ते नहीं है पीछे से, स्टार्टिंग से नहीं कि फर्स्ट डे से पढ़ते आ रहे हैं। लास्ट में जब एक महीना बचता है तभी उस समय जोर होता है कि हाँ पढ़ना है, अब एग्ज़ाम आ गया, ठीक है, जब डेट शीट निकल जाती है, हॉल टिकट आ जाता है, तब उसके बाद होता है स्टडी स्टार्ट होता है। तो आपने जो भी पढ़ा है ना, वो माइंड में स्टक होना चाहिए कि इस चीज़ का मतलब ये है। अगर आपको उस चीज़ का मतलब नहीं पता तो फिर दिक्कत होता है। तो यहाँ पे बस मैंने उनको डिफ़ाइन किया कि इस वर्ड का मतलब ये है, इस चीज़ का मतलब ये है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देखकर जाते हो लास्ट एक घंटे के लिए, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं कोई और वीडियो आपको सजेस्ट करूँ कि कौन सी वीडियो देखनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर की वीडियोज़ दिखेंगी, उस वीडियो को ज़रूर देखें। 1 घंटा 18 मिनट 5 सेकेंड की वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए एकदम एक तरह से ब्रह्मास्त्र के तौर पर साबित हो सकता है। 1 साल पहले डाली गई थी वीडियो, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पुरानी हो गई, पुरानी नहीं देखना चाहिए या कुछ और, ये अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। रीज़न क्या है उसको समझते हैं। देखो, इग्नू के अंदर में जो क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न होता है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ऐसा नहीं कि हर बार चेंज कर दिए नया पैटर्न लेकर आ गए। अभी जो नया सिलेबस आया ना MHI 103 का, उसके अंदर में थोड़ा सा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, जो किसी और वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इग्नू के अंदर में क्या रहता है कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है उसी को फॉलो किया जाता है, जो पुराने क्वेश्चन होते हैं बार बार उसी को रिपीट किया जाता है, आगे पीछे से ऊपर नीचे करके एक ही क्वेश्चन रिपीट करते हुए आते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर की वीडियोस के अंदर में हमने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, डिटेल में बात किया है, और इस वीडियो को देखने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जाने का पैटर्न क्या है, वो आपको समझ में आएगा, क्लियर होता चला जाएगा। देखो, नॉर्मली हम प्रॉब्लम कहाँ फेस करते हैं, आपने बहुत अच्छे से किसी चीज़ की तैयारी करी, बहुत अच्छा आपका तैयारी, ठीक है, आपने किसी चैप्टर को किसी बुक को बहुत डिटेल में रट लिया, पढ़ लिया, एकदम डिटेल में आपको कंठस्थ याद है, पर किस तरीके से क्या क्वेश्चन बनकर आएगा आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, और आपने उसके बारे में तैयारी नहीं किया है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार घुमाकर पूछा जाता है, अलग तरीके से पूछा जाता है, जिसका हमें तैयारी नहीं रहता है। तो जब आप क्वेश्चन पेपर को स्टडी करते हो ना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को स्टडी करते हो, तो आप अलग अलग क्वेश्चन से यूज हो जाते हो कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है, और आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो। अभी ऑलमोस्ट 9:55 हो रहे, 10 बजे तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। लास्ट टाइम पीरियड के अंदर में आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत होती नहीं है कि यार मैं ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, आपको बस ये सोच के जाना है कि आपने जो पढ़ा है ना वो सबसे बेस्ट पढ़ा है और कुछ नहीं है, ठीक है, जितना पढ़ा है उतने में से ही आना है और कुछ नहीं आना, आपको ये सोच के जाना है। जो छूट गया उसको छोड़ दो, उसको नए को छोड़ दो कि यार ये वाला तो सर ने बताया था टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये नहीं पढ़ा, उसको छोड़ दो। आप जो पढ़ के जा रहे हो वो बेस्ट है, उतने ही आपको अपना बेस्ट देना है, उतने में से ही वो इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, लोड लेने की जरूरत नहीं है यार कि 10 में से 10 नहीं आ रहे, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, और 5 क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है।
बहुत इजी है, पांच टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं बस, ठीक है। उसके लिए आपको तैयारी करना है, पूरी बुक की तैयारी नहीं करनी, सिर्फ पांच क्वेश्चन की तैयारी करनी है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर में अगर आप बात करोगे ना, याद रखने वाले क्या चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें इसमें, मतलब स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर के बाद ना आपको ज़्यादातर टॉपिक सिमिलर दिखेंगे, उसको आपको याद करना ईजी रहेगा कि यार ये वाला टॉपिक इस तरीके से, इतिहास लेखन इस तरीके से ऐसे मूव ऑन करता है। बट कुछ टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट हैं, मैं आपको बताऊं उसकी वीडियोस मैंने अलग से भी बना रखी है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, रान के वादी परंपरा हो गया, जनोन्मुखी इतिहास हो गया, सबाल्टर्न अध्ययन हो गया, ये कुछ अलग तरह के टॉपिक हैं जिसका वर्ड का मतलब अगर आपको नहीं पता तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। वस्तु परकता हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका कारण कार्य संबंध हो गया, ठीक है, कि किसी घटना के घटने के पीछे क्या कारण होता है और उसका संबंध किस तरह से रिलेशन हम दिखाते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे सामान्यीकरण हो गया। कुछ अलग वर्ड, जैसे अगर नॉर्मल पूछा जाए ना कि इसका इतिहास क्या है, उसका ये चीज़ है, तो वो तो ठीक आता है। बट एक अलग ऑब्जेक्टिव वर्ड के बारे में हम बात करें ना कि यार ये एक अलग ऑब्जेक्टिव वर्ड दे दिया कि इस चीज़ का मतलब क्या है, और आपने वो पहली बार सुना है। हिस्टोग्राफी अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप पहली बार सुने हो तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। अच्छी बात ये है इस बुक के अंदर में कि इसमें ज़्यादा डेट टाइम का यूज़ नहीं है कि इस टाइम पीरियड में हुआ, उस टाइम पीरियड में हुआ, आपको नॉर्मल आपका टॉपिक जो है वो याद रखना है, इजीली हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का भी नाम आपको रेफरेंस के लिए याद रखना पड़ेगा कि इस वाले इतिहासकार ने ये बोला था, इस तरीके से इसका ये था, वो वहाँ पर आप कर सकते हो। इसमें कुछ और क्वेश्चन पेपर भी दे रखे हैं, वो भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम पीरियड पे मैं एक माफ़ी के साथ में बस यहाँ पे वीडियो एंड करूँगा, बोलूँगा कि आप ये दो चार वीडियोज़ जो हैं उनको आप देख के जाइए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। मैं आगे से ट्राई करूँगा कि आपके लिए मैं जो भी आपकी ज़रूरी की वीडियो है टाइम से मैं बना सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।